हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ब्लॉगर में। जी छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं जी? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं जी, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो और भी अच्छे हैं जी। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जी। यूट्यूब फैमिली वालों, बहुत कुछ सिखा दिया आपने, और एकदम से कुछ ही तो ऐसे फ्रेंड्स बन गए हैं कि सचमुच ऐसे लगता है कि उनसे जाके मिले, एकदम से अपनापन सा हो गया है। जब तक उनके व्लॉग्स ना देखो तब तक चैन ही नहीं मिलता। काफी ऐसी मेरी बहनें हैं उनसे काफी अपनापन मिला है, और काफी मतलब कहते हैं ना, कभी अपने रिश्ते खुद के होते हैं ना, खून के रिश्ते से भी बढ़कर दूसरे रिश्ते हो जाते हैं। सचमुच वो रिश्ते बन गए हैं मेरी फ्रेंडों, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों, आप सबसे मेरी बहनों और भाइयों। तो आज गर्मी से मिल चुकी है जी थोड़ी सी राहत, क्योंकि मौसम हो चुका है एकदम से सुहाना सुहाना। तो इसलिए चलिए जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम का हाल। अभी बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन थोड़ा सा दिखाती हूँ, और उसके बाद में बनाते हैं जी हम लोग खाना। ये देखो जी अभी मौसम का हाल। तो ये देखो जी आज बना रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी सब्जी, क्योंकि गर्मियों के सीजन में हमारे घर पे कैरी की सब्जी बहुत ज़्यादा बनती है जी, क्योंकि खट्टी मीठी बनती है तो बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं जी एकदम से। तो इसके लिए मैंने करी कट कर ली, प्याज, हरी मिर्ची और ये हैं जी लहसुन की कलियां भी, लहसुन भी छील लिया है मैंने, और ये रख दिया है मैंने एक पतीला, और इसमें मैंने तेल डाल दिया, तेल हो चुका है गर्म, और अभी इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दी है जी। जब भी मैं करी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें सौंफ डालती हूँ जी, उसका अलग ही टेस्ट आता है, एकदम से खुशबू भी आती है। और थोड़ी सी इसमें डाल दिया जी कलौंजी और जीरा, अभी हरी मिर्ची डाल देते हैं। ये देखो जी हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने इसके अंदर, पूरी रेसिपी दिखाने वाली हूँ, व्लॉग अंत तक देखना जी। और अभी इसमें डाल दिए हैं मैंने प्याज, ये देखो जी प्याज भी डाल दिए इसके अंदर, और अभी जो लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया है जी इसके अंदर। ये देखो इनको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं अच्छे से, और ये पक चुके हैं हमारे। तो अभी इसमें डाल देते हैं जी मसाला, ये धनिया पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच, ये देखो ये हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, और ये है हल्दी पाउडर, सबसे कम हल्दी डालते हैं जी हम, और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया। अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, ये देखो जी इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ। ये देखो जी जब भी मसाले तेल छोड़ने लगते हैं ये समझना कि पक चुके हैं। अभी इसमें ये करी जो कट की थी हमने कच्चे, हम वो ऐड कर देते हैं जी इसमें। ये देखो जी हमने ये भी ऐड कर दिए हैं, अभी इनको थोड़े से अच्छे से मिक्स करके पानी डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि जल्दी से पक जाए, क्योंकि जी गैस बहुत महंगे हो गए हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली है जी, क्योंकि हम मीठा कुछ ज़्यादा ही खाते हैं जी इसलिए इसमें शुगर भी ऐड कर दी है। और उधर मैंने कढ़ाई रख दी है, साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, और इधर हमारी सब्जी तो बन के हो चुकी है जी रेडी, एकदम से देखने में बड़ी ही टेस्टी लग रही है जी, क्योंकि खट्टी मीठी होती है तो बच्चे बड़े सभी एकदम से अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे जो भी पत्तेदार सब्जी होती है ना वो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते हैं जी। और इधर मैंने बना लिया है ये देखो जी दलिया, क्योंकि हमारे घर में दलिया तो रोज़ ही बनता है जी, सुबह शाम दोनों टाइम पे दलिया ज़रूर बनता है जी। तो इधर ये हमारा दलिया भी बन के हो चुका है जी रेडी, खाना बन के हो चुका है रेडी। कैसी सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई एकदम से, जैसे ही मैं छत पे आई और ये बैठी है, उधर हमारी गऊ माता है वो खड़ी है खाने के इंतजार में, वैसे पड़ोसियों के घर पे खड़ी है वो उधर। हमने तो इसको खाना वाना डाल दिया जी, सुबह सुबह ही आ जाती है ये हमारी गाय। और ये देखो भाई चिड़िया, देखो कितनी बुलबुल कहते हैं इसको, एकदम से बैठी है, मौसम का लुत्फ उठा रही है, क्योंकि काफ़ी एकदम से ये देखो बोल भी रही है, ये तो एकदम से ऐसे हो रहा है जैसे होता है ना मिट्टी मिट्टी से, एकदम से सारे बादल बिल्कुल एकदम से धुंधले धुंधले से हो रहे हैं। और हमारी ये देखो ऐसे बोलते हैं जी हमारी भाषा में, खंख खंख चढ़ा हुआ है एकदम से, ये देखो कितना भयंकर वाला। और अभी तो थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हुई थी, वो तो अभी रुक चुकी है जी बूंदाबांदी तो,
और हमारी बुलबुल अभी भी बैठी हुई है, ये देखो इधर ये पिकॉक बैठा हुआ है, सारे एकदम से उठा रहे हैं भाई, चाहे जानवरों खाने की तलाश सभी को रहती है। ये देखो पिकॉक भी खाने की तलाश में कैसे घूम रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो मौसम का लुत्फ उठा रहा था और अभी अभी ये देखो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, और देखना कैसे उड़ान भरेगा। ये देखो जी एकदम से, ये देखो आके बैठ गया है एकदम से, और बूंदाबांदी फिर से हल्की हल्की, ये देखो फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है, और हमारे पिकॉक हैं उसका लुत्फ उठा रहे हैं भाई पूरा। पहले तो डांस भी कर रहा था, उस टाइम पे मैं भी इसका डांस देखने लग गई थी, वीडियो नहीं बना रही थी, इसके डांस में ही मैं भी शामिल हो गई थी देखने के लिए। ये देखो पेड़ों की तरफ कहीं कहीं इधर उधर घूम रहा, खाने की तलाश, कहते हैं ना जी पेट पूजा जरूरी है, पहला काम है जी पेट पूजा। ये देखो जी कैसे तलाश रहा जी, अभी फिर से आंधियां चलने लगी है एकदम से भयंकर वाली, और पूरे मौसम में ऐसे हो रहा है एकदम से खंख सा होता है ना जैसे वैसे हो रहे हैं, पूरे बादल एकदम से काले काले हो रहे हैं। बारिश आ जाए तो ठीक है जी, क्योंकि एकदम से मिट्टी नहीं उठती है, नहीं तो क्या है कि पूरी एकदम से मिट्टी, सब कुछ मिट्टी से भर जाता है। और देखो कैसे अंधेरा सा हो गया ना, अभी एकदम से ज़्यादा लेट नहीं हुई है, और मैंने पहले सोचा खाना ही बना लेती हूँ, दोपहर में आ गई थी बूंदाबांदी, तो अभी बारिश रुक गई और बेटा जी गए हैं खेलने के लिए, खाना वाना करके सब कुछ, क्योंकि शाम को टाइम वो फिर से खेलने जाता है। और देखो मेरी फोटो एकदम से काली काली आ रही है ना, तो मौसम का हाल देख लो आप लोग ही कैसे हो रहा है, सारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो पूरे एकदम से बादल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और बस यही करते हैं जी हमारे व्लॉग का एंड, क्योंकि कुछ साफ अच्छे से दिखाई तो दे रहा नहीं है। ये देखो और सारे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी देख लिया ना आपने, बुलबुल बैठी हुई थी कैसे, और पिकॉक सारे उठा रहे हैं एकदम से मौसम का लुत्फ। चलिए जी हम भी उठाते हैं मौसम का लुत्फ, और साथ साथ में आप लोगों को भी दिखा दिया, आप भी उठाइए हमारे साथ साथ मौसम का लुत्फ। तो यही करते हैं जी अपने व्लॉग का एंड, बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी।